ये क्या हुआ, मुझे साड़ी ही पहनने नहीं आ रहा था। तभी तो मेरी सासू माँ बोलती है कि कभी कभी है ना साड़ी भी पहन लिया करो। साड़ी तो वैसे तुम्हारा सदता भी नहीं है, मतलब साड़ी तो यूज़ भी नहीं होता है, पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। साड़ी पहनोगी ना तो तुम्हें आदत रहेगा साड़ी पहनने का। मेरी मम्मी भी बोलती है कि 1 वीक में कम से कम है ना एक बार तो ज़रूर पहन लिया करो। तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि साड़ी पहन के आओ। मैं गई साड़ी पहनने। सच्ची बताऊँ ना गाइज़, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती अच्छे से। मैं सब पहन लेती हूँ लेकिन है ना पिनअप नहीं लगता है। तो हस्बैंड जी के साथ मैं पूजा पे बैठी थी, बार बार कुछ सामान घट रहा था तो जाके उठ के ला रही थी। तो वही बोल रही हूँ कि गाइस, बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आपके पास पिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो सच बताऊँ ना तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है उतना अच्छा से। परिवार में रहो तो कोई पहना देता है, जैसे मम्मी पहना दी, सासू माँ पहना दी, भाभी पहना दी, लेकिन यहाँ पे अकेले खुद से नहीं पहन पाती हूँ। हस्बैंड जी पूजा पे बैठे हुए थे, नहीं तो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर देते हैं। तो पूजा से उठने के बाद मैं चली गई अपना साड़ी चेंज करने। यहाँ पे देखी कि हस्बैंड जी है ना पतला पतला स्लाइस करके आलू फ्राई कर रहे हैं अंश के लिए। अंश को आलू फ्राई खाना था तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा फ्राई करते हैं, अंश को बहुत अच्छा लगता है। ये इनका सेकेंड बार है आलू फ्राई करना, क्योंकि इसके पहले ये हरितालिका व्रत में एक बार किए थे, एक बार अभी किए थे। अभी मैंने अंश के लिए नमकीन चावल बनाया है बिना प्याज लहसुन का। इसमें मैंने है ना जीरा देसी घी का तड़का देकर और मिर्चा हरा मिर्चा अदरक का तड़का दे के आलू को वो करके और उसमें हल्दी नमक बस डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म मसाला। यहाँ पर मैं हल्दी वाला दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में है ना हस्बैंड और अंश दोनों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पता नहीं अभी है ना वायरल फीवर चल रहा है इसके कारण। तो बहुत लोग है ना बोलेंगे कि नहीं आता है पहनने, मजाक उड़ाते हैं साड़ी वाड़ी में, लेकिन क्या करेगा इस, जैसे तैसे पहनना तो पड़ेगा ही ना।